तो शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनके शपथ ग्रहण से पहले चर्चा हो रही है उन नामों को लेकर जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। लेकिन ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने जीत में बड़ी भूमिका निभाई, जो अब तक सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब तक उनके पास फोन कॉल नहीं आया है। यानी कि हो सकता है कि उनका मंत्रिमंडल से पत्ता कट जाए। विशाल पांडे हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से चेहरे जिन्हें इंतजार था फोन कॉल का, लेकिन अब तक उनके पास मंत्री बनने के लिए फोन नहीं आया है। देखिए, अभी तक विशाल जो उत्तर प्रदेश से मुझे जानकारी मिल पा रही, क्योंकि पिछली बार जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था उसमें जो मंत्री थे, अभी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके पास फोन नहीं आए हैं। उसमें गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा हैं, बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह का नाम है, इसके अलावा मिर्जापुर से जो अपना दल सहयोगी पार्टी है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, उनकी संयोजक अनुप्रिया पटेल, उनके पास भी फोन नहीं आने की अभी तक की सूचना मिली है। इसके अलावा मेनका गांधी और वरुण गांधी, दोनों में से किसी के पास भी अभी तक फोन कॉल नहीं आया है, जो हमें उनके दफ्तर से फिलहाल सूचना मिली है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो वित्त राज्य मंत्री थे शिव प्रताप शुक्ला, अभी तक उनके पास भी किसी प्रकार के फोन कॉल की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अगर आप पूर्वी यूपी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो पूर्वी यूपी से अभी तक किसी भी बड़े खास चेहरे के पास फोन नहीं गया है। हालांकि राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, उनके पास फोन जा चुका है। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, उनको मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इसके साथ ही साथ साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से सांसद है, उनके पास फोन कॉल चला गया है। पश्चिमी यूपी में अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद है, चौधरी अजीत सिंह को हराया है, आरएलडी के अध्यक्ष थे अजीत सिंह, उनके पास फोन कॉल चला गया है। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद, कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम है जिनके पास फोन कॉल अब तक नहीं गया है, वो इंतजार कर रहे थे, अब तक वो इंतजार ही कर रहे हैं। रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, आपसे कुछ देर पहले एक बार फिर अमित शाह की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, ये आखिरी वक्त में क्या चर्चा हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? देखिए, उसी का नतीजा शायद हो। अभी हमारी जो जानकारी मिली, श्रीपद नायक जो नाम छूट रहा था, एक वरिष्ठ नेता है गोवा से, उनका नाम आ गया है मंत्रिमंडल में। जो कयास लग रहे हैं उसमें वो मंत्री बनेंगे। दिल्ली से भी जो सूचना मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, एक जो पहले मंत्री थे उनके पास भी शायद फोन आया है, हालांकि इस पर कोई एक पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सबके पास कॉल जा रहा है। 4:30 बजे से पहले जो 10-15 नाम और बचे हुए हैं, शायद उनके पास भी कॉल चला जाए, क्योंकि 45 से 48 की सूची मेरे पास है। और बिल्कुल, हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, और जैसा कि लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कौन कौन से नाम, कौन कौन से चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। शाम 7 बजे शपथ ग्रहण, उससे पहले शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री से उन नेताओं की मुलाकात जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। इस पर हर खबर, हर जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। महाशपथ की महाकवरेज लगातार जारी।